नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल छोला मंदिर क्षेत्र में नई मंडी ब्रिज के पास सिफेट रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक के दोनों पैर कट गए, अन्य 2 युवकों को सीने और सिर पर गंभीर चोटें आने और ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई। समीर अली के शव को परिजन मूल निवासी लटेरी ले गए। दूसरे समीर खान और अल्फेज को भोपाल में ही सुपुर्द खाक किया गया। छोला मंदिर पुलिस ने बताया कि अल्फेज, समीर खान और समीर अली सोनिया कॉलोनी में रहते थे। रविवार रात करीब 11:30 बजे तीनों करौन से ऐशबाग जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक तीनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और बचपन के दोस्त थे। तीनों फर्नीचर की कारीगरी का काम करते थे। रविवार रात करीब 9 बजे घर से करौन के लिए निकले थे। वहां हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में उन्हें काम देखने के लिए बुलाया गया था। काम देखने के बाद वहां से लौटते समय वे पुल पर चढ़े ही थे कि कुछ देर बाद पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते उन्हें टक्कर मार दी। वहीं परिजनों ने हादसे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जाँच में जुट गई है। मैडम, थाना छोला के अंदर 3 बच्चों का मृत्यु का मामला है एक्सीडेंट का, क्या पूरा मामला है? परसों रात में लगभग 11 बजे तीन लोग वहाँ से करौन साइड से आरएफ नगर साइड जा रहे होंगे, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अभी सीसीटीवी फुटेज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस अभी हमें मिला नहीं, तो एग्जैक्टली क्या केस है समझ नहीं है। अभी तो हमने अज्ञात वाहन के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दायर किया है। अभी उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मतलब कहाँ के रहने वाले बच्चे, परिवारजनों का क्या कहना है? सब ऐशबाग के निवासी हैं, ऐशबाग क्षेत्र के, और परिवारजन तो अभी शोकाकुल हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा उनसे बात हो नहीं पाई है, बट वो भी चाहते हैं, उनको भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि इस एक्सीडेंट कैसे हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।